साल 2024 की पहली एकादशी कब है? जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पौष माह की सफला एकादशी साल 2024 की पहली एकादशी है। इस दिन व्रत करने वालों के हर कार्य सफल होते हैं। तो आइए जानते हैं सफला एकादशी की डेट क्या है, मुहूर्त क्या है और इसका महत्व क्या है। साल 2024 में सबसे पहला व्रत एकादशी का रखा जाएगा। ये सफला एकादशी होगी। एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन श्री हरि की उपासना करने वालों के समस्त दोष, दुख, दरिद्रता दूर होती है। धन सौभाग्य की प्राप्ति के साथ सफला एकादशी का व्रत हर कार्य में सफलता प्रदान करता है। पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। नए साल में सफला एकादशी 7 जनवरी रविवार को है। इस व्रत के प्रभाव से 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। जैसे व्रतों में एकादशी सबसे खास व्रत है, उसी तरह यज्ञों में यश अश्वमेघ यज्ञ सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पंचांग के अनुसार पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 7 जनवरी को प्रातः 12:41 से शुरू होगी और अगले दिन 8 जनवरी 2024 को प्रातः 12:46 पर समाप्त होगी। सफला एकादशी का व्रत पारण 8 जनवरी को सुबह 6:39 से सुबह 8:59 के बीच किया जाएगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रात 11:58 पर है। सफला एकादशी का महत्व क्या है, आइए जानते हैं। सफला से तात्पर्य सफलता से है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से सारे कार्य सफल हो जाते हैं, इसलिए इसे सफला एकादशी कहा गया है। मनुष्य को 5,000 वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य का फल प्राप्त होता है, वही पुण्य श्रद्धा पूर्वक रात्रि जागरण करके सफला एकादशी का उपवास करने से मिलता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि सफला एकादशी की पूजा विधि क्या है। सफला एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान को धूप, दीप, फल और पंचामृत आदि अर्पित करना चाहिए। श्री हरि के अच्युत रूप को नारियल, सुपारी, आंवला, अनार और लौंग आदि चढ़ाएं। इस दिन रात्रि में जागरण कर श्री हरि के नाम के भजन का बड़ा महत्व है। एकादशी व्रत के अगले दिन द्वादशी पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें।